भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुमरा के अमृत नगर के पास में, और आपको बता दें कि यहाँ पर ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाया गया था। ये ऑटो रिक्शा स्टैंड है आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी ऑटो रिक्शा यहाँ इस रिक्शा स्टैंड पर खड़ी नहीं हो रही है। दरअसल जो गेट है आप देखेंगे कि वहाँ से जो गेट है ठीक उसके सामने ही सब ऑटो रिक्शा आकर खड़ी हो रही हैं। हालाँकि जो शानू पठान है, नगर सेवक थे यहाँ के पूर्व, उन्होंने ये ऑटो रिक्शा स्टैंड इसलिए बनवाया था ताकि जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है वो इसमें आकर रुके और जो आने वाले पैसेंजर है वो यहाँ पर आकर उसमें बैठे उसके बाद जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है वो ज़्यादातर बाहर रुकते हैं, जो पैसेंजर आने वाले होते हैं वो इसमें बैठते हैं चले जाते हैं। और ये ऑटो रिक्शा स्टैंड जो बनाया गया है ये अब ऐसा लग रहा है कि ये बेफजूल है, बेमतलब है, इसका कोई मकसद है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऑटो रिक्शा खड़ा ही नहीं करता है। जो भी ऑटो रिक्शा खड़ा करता है यहाँ पर खड़ा करते हैं। जब यहाँ पर स्टैंड बनाया गया तो आप लोग इसमें क्यों नहीं खड़ा करते? मैं भी पसीने उतार अब जा रहा हूँ, तो इसमें खड़ा क्यों नहीं करते? अभी उतारे फिलहाल के लिए क्यों नहीं खड़ा करते? नहीं तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ ना, पसीने उतारे आगे जा रहा हूँ। अभी तो खड़े थे, आप बोलने जा रहे हैं? बोल ना, पसीने उतार के अभी जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। यह हाल है, कोई भी ऑटो रिक्शा वाला जो है वो उसमें खड़ा नहीं करता है। हालांकि समय समय पर यह भी देखा गया है कि जो यूनियन के लोग हैं वो लोग हमेशा जो है मांग करते हैं ट्रैफिक विभाग से, महानगर पालिका से, कि उन्हें हर ऐसे नाके नाके पर जो है ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाकर दिया जाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरह से मांग किया जाता है कि ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाकर दिया जाए, लेकिन उसमें रुकना भी तो चाहिए ऑटो रिक्शा वालों को, लेकिन उसमें रुकते नहीं हैं। वजह क्या है, क्यों नहीं रुकते हैं? भाई, ऑटो रिक्शा स्टैंड वहाँ पर बना है, उसमें क्यों नहीं रुकते आप लोग? स्टैंड है, स्टैंड ही में तो लगाया है। कहाँ लगाया? ये स्टैंड यहाँ कहाँ पे? ये तो गेट के सामने है। स्टैंड इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोग गेट के सामने मत खड़े होइए, ताकि गेट का रास्ता खुला रहे, स्टैंड में जाकर रुकिए। स्टैंड से बताया गया कि एक गाड़ी यहाँ लगती है, ये नाके पे। आप डायरेक्ट वहाँ से आए, स्टैंड में गए ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आए? नहीं ना, स्टैंड में गाड़ी नहीं है तो। अरे तो स्टैंड में आप गए ही नहीं, डायरेक्ट तो रोड से आके यहाँ खड़े हो। स्टैंड में जब गाड़ी नहीं जा रहा है, आप ही नहीं, कोई भी नहीं जा रहा है, क्या वजह, क्या आखिर कुछ की वजह होगी? वहाँ पैसेंजर नहीं आते बैठने या क्या? स्टैंड अभी जैसा ये टाइम पे पैसेंजर ज़्यादा है तो गाड़ी नहीं है, बाकी स्टैंड में रहती है गाड़ी। आप सुबह में देखिए, स्टैंड में गाड़ी रहती है। अरे हम लोग हमेशा देखते हैं, कोई नहीं रहता उसमें भाई। ये हाल है कि मतलब कोई भी जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम स्टैंड में थे, जबकि ये सीधा वहाँ से आए और यहाँ पर खड़े हो गए। और कहीं ना कहीं इसमें पैसेंजर की भी जो है गलती मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई ऑटो रिक्शा लेकर वहाँ स्टैंड पर खड़ा हुआ है तो जो पैसेंजर यहाँ से निकलते हैं, गली से निकलते हैं देखेंगे तो डायरेक्ट आएंगे चलते हुए रिक्शे में कि हम बैठना है हमें, वो बैठ कर वहाँ से चले जाएंगे। और जो स्टैंड ऑटो रिक्शा स्टैंड में खड़े रहते हैं वो लोग वहीं पर खड़े रह जाते हैं। इस तरह की भी बातें सामने आती हैं कि जो स्टैंड में लगाते हैं वो लोग वहीं खड़े रह जाते हैं, और जो लोग यहाँ गेट पर डायरेक्ट आ जाएंगे तो उसमें जो है ऑटो रिक्शा पैसेंजर को बैठा कर और लेकर आगे चला जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर अभी आपने देखा कि दो से तीन पैसेंजर ये बिठाए और लेकर चले गए, और जो ऑटो रिक्शा स्टैंड है वो इसी तरह से खाली पड़ा रहता है। देखेंगे अब यहाँ पर कुछ दिन बाद दुकानें भी लगने लगेगी। एक कोई शख्स है जो यहाँ पर स्टैंड लगाकर अपना झोला और वो बैग वगैरह सब बेच रहा है, लेकिन इसी तरह का स्टैंड जो है आप देखेंगे दाभोलकर के पास बनाया गया है। और दाभोलकर के पास जो स्टैंड है उसमें हालांकि कभी कभी जो है रिक्शे वाले आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें
भी नहीं रहती, वहाँ पर भी इसको लेकर हमेशा विवाद होता है। लेकिन ये जो रिक्शा स्टैंड है ये सहूलियत के लिए बनाया गया, लेकिन इसमें भी देखेंगे कि कोई रिक्शा वाला इसमें नहीं रहता, ये हमेशा ही इसी तरह से खाली रहता है। जब रिक्शे वालों से सवाल किया जाता है, पूछा जाता है कि आखिर आप लोग यहाँ गेट पर क्यों खड़े होते हैं, हालांकि कुछ दिन यहाँ पर कई लोग ऐसे थे जिन लोगों ने रिक्शे को स्टैंड में खड़ा कराया, वहाँ से पैसेंजर भराए, लेकिन उसके बाद जब वो लोग हट गए उसके बाद फिर वही हो गया कहानी, स्टैंड ऐसे ही पड़ा है और रिक्शे वाले जहाँ होता है वहाँ पर गेट के सामने खड़े होकर पैसेंजर उतारते हैं, बिठाते हैं। ये मामले जो है यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और कई बार ये भी देखा गया कि जो रिक्शा यूनियन के लोग हैं वो लोग मांग करते हैं कि जो है रिक्शा स्टैंड बनाकर दिया जाए, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब आप लोग खुद ही इस स्टैंड में रिक्शा नहीं खड़ा करते हैं, तो फिर अगर हर जगह नाके पर और नुक्कड़ पर इस तरह के स्टैंड बनाकर दिए जाएंगे तो भी बेफजूल ऐसे ही बेमतलब बना रहेगा, क्योंकि ड्राइवर ज़्यादातर उसमें कोई खड़ा भी नहीं करता है ऑटो रिक्शा। तो फिर सवाल उठ रहा है कि एक तरफ मांगनी की जाती है बनाने के लिए, और दूसरी तरफ जब इस तरह का स्टैंड बनाकर दिया जाता है तो फिर उस स्टैंड का इस्तेमाल जो है सही तरीके से नहीं होता है।